हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। तो ये जो वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी वहां पर निकाला गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बोको कामरूप आसाम की। तो अगर आपने मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है वो है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बोको काम रूप आसाम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, जैसे एसएमईज, एंथ्रोपोलॉजी, बोडो, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे मेंशन की रखी है कि कितनी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो मेंशन की रखी है। और यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे जो है ये एक वॉक इन इंटरव्यू है और इस वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे जो है आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप जो ये वॉक इन इंटरव्यू रखा है, इन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन करी है। तो यहाँ पे डेट जो है वो 6 नवंबर 2020 को आपको जो डायरेक्टली यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देना है। और साथ ही साथ जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए तो आप अपनी जो सीवी की जो सॉफ्ट कॉपी है वो सेंड कर सकते हैं एडवांस में, और यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो मेंशन की जा रखी है। अब जो आपका सीवी है इट शुड रीच बिफोर 5 नवंबर 2020। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी है, सैलरी जो है वो नेगोशिएबल है। तो वहां पे आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे जो है आप अपना सैलरी जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप फर्दर कॉन्टेक्ट मतलब फर्दर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे फोन नंबर भी मेंशन किया रखा है, तो आप ये जो है कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर विद्यविहार उड़ीसा से आया है। तो यहाँ पे भी देखिए जो इंटरव्यू होगा ये आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कोई भी कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाना है और वॉक इन इंटरव्यू देना है, और इस वॉक इन इंटरव्यू की बेस पे ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब जो वॉक इन इंटरव्यू है ये स्टार्ट होगा 5 नवंबर 2020 टू 11 नवंबर 2020, यानी कि 5th से 11th के बीच जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा सारे सब्जेक्ट का, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब ये जो पोजीशन है ये गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे जो देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन की रखी है और साथ ही टाइम मेंशन किया है और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी मेंशन किया है। तो अगर आप लाइफ साइंस में जो है वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको जो है 5 नवंबर 2020 को 11 o'clock पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। और आप जो है अगर लाइफ साइंस में भरना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक, फिजिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, तो आप इसके लिए दे सकते हैं। वहीं अगर आप बॉटनी केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो इंटरव्यू डेट है वो 6 नवंबर है 11 AM। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स, हिंदी, जूलॉजी, होम साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है वो 9 नवंबर 11 AM। ऐसे करके आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन किया रखा है, तो आप उस डेट को जाके डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेमुनरेशन अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया, तो आपको यहाँ पे 500 जो है पर क्लास सब्जेक्ट मिलेगा, और जो मैक्सिमम आपको पर मंथ मिलेगा वो 20,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप जो पर्सनल इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर्म को फिलअप कर लें, और साथ ही साथ जो अपनी आपकी जो तो टेस्टिमोनियल से सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसका सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी भी आपको ले जाना है, और साथ ही साथ एक रेशन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे ले जानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन की है। और देखिए यहाँ पे नो टी ए डी, आपको कोई भी टी ए डी ए यहाँ पे नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो अगर आप उड़िया जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ऐसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे जैसे एससी एसटी या पीडब्ल्यू डी के, तो आपको यहाँ पे जो है अपनी कास्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं टीचिंग का, रिसर्च का, तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि COVID-19 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लाना और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके आप स्क्रॉल डाउन करने पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है गेस्ट फैकल्टी का यूजी पीजी डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको जो है ये सेंड कर देना है, और इसे फिलअप करने के बाद आपको अपने जितने भी सेल्फ अटेस्टेड जो टेस्टिमोनियल्स है उसके साथ जो है आपको लेके जाना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आई होप आपको जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।